व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? जैसा कि आप जानते हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है. तो लाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले हम ये देखते हैं. यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा और वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, और मैग्नेटिक कंपोनेंट वर्टिकल प्लेन में होगा. और लाइट इस तरीके से ट्रेवल करेगी विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ये तीनों ही कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ट्रांसवर्स वेव्स. अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है? अब ये तो नॉर्मल लाइट हो गई. नॉर्मल लाइट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में है, मतलब तीनों एक्सिस में, एक्स वाई जेड. अगर हम इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें और इसको जेड मान लें, तो तीनों एक्सिस में है, तो ये थ्री डायमेंशनल है. लेकिन अगर हम इस लाइट को किसी पोलरॉइड से पास करें, पोलरॉइड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो 3D लाइट को 2D में कन्वर्ट कर देगा. निकोल प्रिज्म एक पोलरॉइड है, तो आप इसको समझ लो, ये निकोल प्रिज्म है, एक पोलरॉइड है. तो ये जो पोलरॉइड है ये दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को जाने देगा. एक है वर्टिकल कंपोनेंट जो ऐसे जा रहा है, और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो इसके थ्रू जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्रॉस नहीं हो पाएगा, हाँ, लेकिन इसके थ्रू एक वर्टिकल कंपोनेंट क्रॉस हो जाएगा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं जा पाएगा लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चला जाएगा. इसका मतलब लाइट 3D से 2D में हो गई. यहाँ पर अब एक्स और वाई एक्सिस ही है, जेड एक्सिस नहीं है. तो द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ 3D लाइट इंटू 2D लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और इसी लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो प्लेन पोलराइज लाइट, जैसे कि कुछ पोलराइड, जैसे कुछ सन ग्लासेस भी पोलराइड ग्लासेस के बने होते हैं, उन पोलराइड ग्लासेस में से जब लाइट 3D लाइट पास होती है तो वो 2D लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और 2D लाइट गिव्स बेटर विजन. फॉर एग्जाम्पल LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से जब लाइट, या LCD TVs आती हैं, उसमें से जब लाइट आती है, 3D लाइट आती है, तो वो 2D में कन्वर्ट हो जाती है, और 2D जो है वो एक बेटर विज़न देती है, इसलिए LCD में पिक्चर्स ज़्यादा क्लियर दिखाई देती हैं. तो द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ 3D लाइट इंटू 2D लाइट, या इसके वाइब्रेशन दो प्लेन में फिक्स हो गए हैं, एक्स और वाई में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट.